आप यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम देवदास है और मैं बुगाई गांव में 116 बटालियन में पोस्टेड था, वहां पर मेरी तैनाती थी। और मेरी जो शादी है वो इंटरकास्ट शादी है, मैंने ब्राह्मण की लड़की से शादी किया है और हमारा डिप्टी कमांडेंट था वो ब्राह्मण था और उसके गांव के पास का ही था। तो और मैं हूँ आदिवासी, मैं छोटी जाति से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल आदिवासी हूँ मैं, एसटी हूँ। और उसको वो जलन के कारण मुझे झूठे केस में फंसाया है उसने, मेरा डीसी था डिप्टी कमांडेंट सतीश कुमार दुबे, और वो 116 बटालियन में तैनात था उस समय, अब वो तैनात 172 बटालियन में झारखंड में है फिलहाल में। अभी आपने बताया कि मैंने इंटरकास्ट शादी की, तो शादी क्या आपने जबरदस्ती की, तो एक राजी से की या कैसे किया? मेरी शादी लव मैरिज है और अपने दोनों की सहमति से हमने शादी किया। हमारी जो वाइफ है लड़की उनके और मेरी सहमति के बीच में हमने शादी किया था। उसको वही जलन हो गया कि वो भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो भी ब्राह्मण है और लड़की भी ब्राह्मण है, और एक छोटे जाति की जवान ने कैसे उससे शादी कर लिया हमारे जूनियर ने। तो इसी के कारण मुझे वो झूठे केस में वहाँ पे मेरे जेब में 50 रुपये का नोट डलवा के और उसने झूठे केस में फंसा के मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया था वहाँ से। और मैंने कई उनके चोरी का, जैसे जनरेटर में तेल नहीं, जनरेटर नहीं चलाते थे, तेल बेच देते थे, और कई जैसे कैंप में पैसे आते हैं कि जवान को वेलफेयर के लिए 4-5 लाख रुपया सालाना आते हैं कि उसमें बैरक बनाया जाएगा, रिक्रेशन रूम बनाया जाएगा, कुर्सियाँ ली जाएगी, लेकिन वो सारे कागजों में ही काम करते थे। उसकी हमने कंप्लेंट किया था कि ये सब जो है आप फर्जी बिल बनवा के, फर्जी साइन करवा के जवानों से, और वो सामान का पैसा और वेलफेयर का पैसा खा जाते। इसके हमने इसका आवाज़ उठाया था कि ये नहीं होना चाहिए, और सारी फैसिलिटी जो सरकार द्वारा हमें मिलती है, भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा हमें मिले, तो वो हमें फैसिलिटी का मैंने विरोध किया था कि हमें फैसिलिटी मिला जाए, और भ्रष्टाचार का विरोध किया था, इसलिए हमें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया था 23 अक्टूबर 2008 को। और हम जितने भी फौज में जाते हैं वो मिडिल क्लास से या गरीब वर्ग के लोग जाते हैं। आज हम कटोरा लेके रोड पे भीख इसलिए मांग रहे हैं कि ताकि हमारे पास अब कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, हमारे पास कोई अब विकल्प बचा नहीं है इसके सिवा। और हम सरकार से भी हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें एक निष्पक्ष हमारे जाँच हो, और हम मीडियम क्लास से और लोअर वर्ग से लग जाते हैं, अगर हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है तो हम अपने बच्चों को आगे फौज में के लिए भेजेंगे नहीं, हम अपने गांव-गांव में घूम घूम कर अपने एरिया में बताएंगे कि फौज की नौकरी सबसे गंदी नौकरी है और सबसे गिरी हुई नौकरी है, ऑफिसर की तानाशाही चलती है, इसलिए देश की सुरक्षा करने से अच्छा है कि आप देश की सुरक्षा ना करें, जाके दुकान खोल दे, चाय का पान का दुकान खोल दे, पान बेचे, चाय बेचे, लेकिन फौज में भर्ती नहीं होना, क्योंकि इस देश में फौजियों की कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आज हम घूम घूम के आज ऐलान करते हैं जंतर मंतर की से कि हम अपने जिले में, अपने गांव में, जहां भी हैं, हमें बिहार का रहने वाला हूं आरा का, और मैं अपने आरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जवान निकलते हैं भारत में, सबसे अगर फौज में जवान है तो आरा से ही है, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर से, और मैं अपने पूरे भोजपुर में ये ऐलान करूंगा कि इस तरह के काम होते हैं फौज में अपने लड़के को ना भेजें। फिर देखते हैं कि कौन से गृह मंत्री, कौन से मंत्री या कौन से अपने लड़के को भेज के देखते हैं, क्योंकि ना गृह मंत्री साहब के बच्चे फौज में जाते हैं, ना राष्ट्रपति साहब के बच्चे जाते हैं, ना प्रधानमंत्री साहब के बच्चे जाते हैं, तो गरीब के बच्चे जाते हैं फौज में। और जिस दिन इनके बच्चे फौज में जाएंगे मंत्रियों के और नेताओं के, उस दिन पता चलेगा कि फौज की नौकरी क्या होती है, जवान की दर्द क्या होता है। इनको कुछ पता नहीं है कि फौज की नौकरी क्या होती है, इसलिए हमारी कोई सुख लेने वाला है नहीं। आपने अपने नाम क्या बताया? मेरा नाम देवदास है। देवदास को एक जरा सी गलती का इतना बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, जहां देश को, भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है और जाति का कोई बंधन नहीं बताया जाता है, देवदास ने एक अदर कास्ट की इंटर कास्ट शादी करने पर इनके अधिकारी ने इनको डिसमिस कर दिया। ये एक बड़ी विडंबना है। अब जब हमने देवदास से मालूम किया कि आपने अपने वर्दी के रोम में शादी किया या आपने कुछ छल कपट करके शादी किया, देवदास ने बताया कि मेरा एक जो लव था, लव के कारण मैंने शादी करी, दोनों परिवारों की रजामंदी थी, उसके तहत शादी करी, और शादी तो इन दोनों की हो गई,
लेकिन इन्हें जो खामियाजा उठाना पड़ा और आज इतने त्रस्त हैं कि ये जंतर मंतर दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। और इन्होंने जो शादी की थी लव मैरिज के साथ में कोर्ट मैरिज भी की, इन्होंने बताया देवदास जी ने। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।